हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का ये एपिसोड है दीज थिंग्स इन 8 जून। डिड यू नोटिस दीज थिंग्स इन 8 जून 2018 द हिंदू। ठीक है, अब इस पे आज देखिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बहुत कम है, लेकिन उस न्यूज़ में से जो आर्टिकल्स बनेंगे जो आपको अपने नोट्स बनाने हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव बनेंगे। ठीक है, आज जो न्यूज़ हैं ज़्यादातर वो मेन्स ओरिएंटेड है। पेज वन पे देखिए वो लिखा हुआ वी डिराइव आर स्ट्रेंथ समथिंग। ठीक है, तो ये जो हेडलाइन है ना, इसमें आपको क्या करना है, नेशनलिज्म जो मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेशनलिज्म से रिलेटेड जो जो उसमें जो कोट्स में दे रखा है तो आपको वो नोट डाउन करना है। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा मेंस में। और फिर है पेज नंबर 5 पे, उसमें हाई कोर्ट अलाउज समथिंग, ये हेडलाइन है। ठीक है, इसमें से जो है आपको ये जस्ट न्यूज़ पढ़नी है, इसको नोट डाउन नहीं करना है। फिर ये न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको जो है नाज फाउंडेशन केस जो है गूगल करना है और उसकी डिटेल्स नोट डाउन करनी है। ठीक है, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का वो है एनजीटी टेल्स समथिंग, ये हेडलाइन है। ठीक है, इसमें आपको एक तो एनजीटी का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो किस एक्ट से बना या उसका चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो और ये तो है ही है, और इसके साथ जो रिलेटेड एक्ट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जो सेकंड है इसी में इसी न्यूज़ में आपको जो सेकंड नोट्स बनाना है वो बनाना है CETPs पे। ठीक है, CETPs क्या होते हैं और इनको जो है ये एफ्लुएंट्स वाले जो होते हैं इनको हम बायोरेमेडिएशन से या किन किन प्रोसेस से जो है हम ट्रीट करते हैं। और फिर पेज 8 पे जो है ना, आज फर्स्ट एडिटोरियल क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि वो प्योरली पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसके एग्जाम में चांसेस आने के ऑलमोस्ट जीरो हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एडिटोरियल पढ़ना है। आगे चलते हैं, और फिर है ओपेड पेज, जो पेज 9 है ना, उसमें एक आप देखेंगे कि सेंटर में लेकिन डाउन में। ठीक है, जो तीन आर्टिकल दिए हैं उनमें सेंटर में जो है उसमें एक हेडलाइन है अवर्टिंग पॉन्जी स्कीम समथिंग। ठीक है, उसमें आपको इसमें तीन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, एक तो गूगल करके देखना कि पॉन्जी स्कीम्स बेसिकली होती क्या हैं, दूसरा कि जो बिल इसी न्यूज़ में एक बिल की बात की है तो वो बिल देखना है, तीसरा जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखनी है पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, और उनमें क्या फ्लोज हैं, क्या लकी होने हैं, तो वो आपको देखना है। जैसे मैं आइडिया देता हूँ कि आईपीसी में देख सकते हैं। ठीक है, ये और फिर है पेज नंबर 11 पे है इंडिया नॉट। ठीक है, ये कोई हेडलाइन है और इसमें जो है हेग ट्रीटी क्या है, इसका आपको टोटली आपको इसके इंस एंड आउट्स पता होने चाहिए कि हेग ट्रीटी क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है आज जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, इसलिए जो है ना मैं आपको एक और टॉपिक दे देता हूँ जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। वो यही है कि जो हमने कल किया था ना कि शिलोंग वाला इशू जो था, उस पर आप जो है ना उस पर एक आप जो मैं कह सकता हूँ कि आपको उसको अपडेट करना है, ये दोबारा अपडेशन है। ठीक है, ये इंट्रा आप उस पर एक पैरा बना सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि हर उस चीज़ में कॉमन है। ठीक है, वो उसका हेडिंग हो इंट्रा कॉम्युनल स्ट्राइफ। ठीक है, तो इंट्रा कॉम्युनल स्ट्राइफ जो है ना, आपको उस पर पॉइंट्स निकालने हैं कि इंडिया में कब कब हुए हैं, उनके रीजंस क्या हैं। ठीक है, और उनको टैकल करने के लिए हम क्या क्या हमने किया है और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।